हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक टेक्निकल जोन में आपका स्वागत है। मैं विनोद दांगड़ा फिर एक नई टॉपिक के साथ। आज मैं आपको डाई के बारे में बताऊंगा कि पाइप के ऊपर कैसे थ्रेड काटी जाती है और कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें गोलाकार जॉब या पाइप को पकड़ा जाता है। तो बेटा एक बार वाइस के ऊपर आप फोकस करोगे, इसको हम बोलते हैं पाइप वाइस। इसका ये स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर हमेशा आपको देखना है इसके ऊपर जो थ्रेड कटी हुई है वो एक में थर्ड है और इसका 29 डिग्री का एंगल होता है। इसके बाद के अंदर ये देखिए, यहाँ पे इस जॉब को जैसे ही इस पाइप को क्लैंप किया हुआ है, इसको ये वाली है, ये एडजस्टेबल जा है यानी मूवेबल जा है, और नीचे की जो जा है वो फिक्स जा है। तो इसके अंदर हमने एक पाइप लगाया है आधा इंच का। तो आपको याद रखना है, जब भी हम किसी पाइप पे या गोलाकार जॉब के ऊपर हमें उस पर थर्ड निकालनी है तो आगे का भाग हमें 45 डिग्री के ऊपर चैम्पर कर लेना है। बेटा एक बार इनको चैम्पर किया हुआ दिखाओ, इनको इसको बोलते हैं इस भाग को चैम्पर। इस भाग को हल्का सा हमें टैम्पर कर लेना है, बर इसकी ऊपर जो आ जाती है उसको हटा लेना है, उसके बाद ही हम डाई लगाएंगे। अब आपको दिखा देते हैं कि डाई, ये देखिए इसको बोलते हैं डाई स्टॉक, इसको हम डाई स्टॉक बोलते हैं। ये एडजस्टेबल डाई स्टॉक है, इसका प्रयोग टू पीसीस डाई पकड़कर ही हम प्रयोग करते हैं। तो आपको दिखा देते हैं, ये देखिए आज का ये हमारा टॉपिक यही समाप्त करते हैं। तो है डाई पीसीस है, इसे टू पीसीस डाई भी बोलते हैं, डाई बिट्स भी बोलते हैं, एडजस्टेबल भी डाई बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था टू पीसीज ये डाई है, तो इसके ऊपर आपको देखना है, देखिए 1/2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये इंचज के अंदर है, यानी आधा इंच की ये हमारी डाई है। इसके बाद देखिए BSP विटी स्टैंडर्ड पाइप, यानी ये इसका थर्ड का नाम है, 14 नंबर की ये डाई रहेगी। इसके बाद आपको क्या चीज़ देखनी है, ये देखिए यहाँ पे दोनों डाई पीसीज हैं, उसके कुछ जो टीथ हैं ऊपर के जो दांते कटे हुए हैं वो टेपर में है, ये देखिए दोनों साइड, दोनों की एक ही आपको पोजीशन के अंदर जो डाई का जो ब्लॉक है उसके अंदर लगाना है। ये देखिए, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है कि भाई जो बीट्स हैं यानी टू पीसीज जो डाई हैं वो कैसे ब्लॉक के अंदर हमें फिट करेंगे। बेटा एक बार यहाँ पे फोकस करना इसके ऊपर, देखिए इसका मैं चैम्बर खोल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक है डाई का। इस डाई के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई जो टेपर का जो सिरा जो रहेगा, टेपर का जो सिरा रहेगा वो हमें ऊपर की ओर रखना है, ये देखिए ऐसे। तो मैं इसको फिट करूँगा यहाँ पे, दूसरे का भी देख लेते हैं। ये देखिए टेपर वाला भाग है, ये हमें ऊपर रखना है, ये देखिए दो मैंने फिट कर दिए हैं दोनों भाग, ये देखिए यहाँ पे ऐसे हमें डाई को सेट करना है। उसके बाद में इसका जो कैप है वो मैं इसके ऊपर सेट करूँगा। पूरा अच्छी तरह इसको हम टाइट करेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि भी देखिए इस साइड से हम लगाएंगे। बेटा एक बार आपको फोकस करना है इस पाइप के ऊपर हम कैसे लगा रहे हैं। ऐसे हम इसको पकड़ेंगे डाई स्टॉक को और ऐसे फिट करते हुए हम यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे कि भी हमारा ये सेट है या नहीं। तो धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे प्रेस करते हुए, बिल्कुल इसी एंगल पर रखो बेटा, इसी प्रेस करते हुए हम इसको हल्का हल्का दबाव देते हुए इसको आगे की ओर चढ़ाएंगे इसको, क्योंकि डाई काटने के लिए, चूड़ी निकालने के लिए थोड़ा सा ताकत हमें लगानी पड़ेगी। जैसे ही ये थर्ड लेगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें दबाव देना पड़ेगा इसके ऊपर, तब जाके ऐसे ऐसे हम घुमाएंगे इसको हल्का दोनों हाथों से दबाओ। क्योंकि डाई को एडजस्ट नहीं किया हुआ है इस वजह से ये थोड़ा सा टाइट है। अब थोड़ा लुब्रिकेंट डालेंगे, डाल बेटा थोड़ा, बिल्कुल इसकी पिच के ऊपर डालना है आपको।
तो ये हमारा प्रोसीजर था, वी डाई को कैसे सेट किया था, टेबल स्टॉप पर बेटा इसको हम ऐसे ऐसे इसके अंदर थ्रेड निकालते हैं। देखिए पूरी जो डाई है वो हमारी इस पाइप के ऊपर चढ़ चुकी है, तो हम क्या कर रहे हैं एक चक्कर पूरा, उसके बाद में हाफ और एक चक्कर पूरा ऐसे लगाएंगे, फिर हाफ, फिर एक चक्कर पूरा, उसके बाद में हाफ, ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे। और आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि लुब्रिकेंट है वो आपको कंटिन्यू डालना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, ये देखिए एक चक्कर पूरा और फिर हाफ, एक चक्कर पूरा और फिर हम हाफ करेंगे, एक चक्कर पूरा और फिर हाफ। स्टॉप करो बेटा एक बार, अब देखेंगे आपको जैसे ही हमारी थ्रेड ये देखिए कि पूरी पाइप के ऊपर कट चुकी है और हम इसको अब वापसी निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे अभी आपको थ्रेड दिखाएंगे अभी कैसे कितनी एक्यूरेसी के साथ है हमने ये चूड़ियाँ निकाली है। ये देखिए एक बार जूम कर रहा है, एक बार दिखाऊंगा। ये देखिए जो पूरी की पूरी, क्योंकि हमने ये सेकंड जो राउंड लिया फर्स्ट राउंड के अंदर हमारी ये थ्रेड थी, उसके बाद पाइप को एडजस्ट किया गया डाई को, उसके बाद में तीन चार थ्रेड देखो कितनी क्लियर है। तो ये टॉपिक था हमारा आज पाइप और डाई से, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन आपको दबाना है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक आपको जय हिंद और जय भारत।